कई बरसों पहले एक राजा था जिसके राज्य में एक अनोखा सेब का पेड़ था। वो सबसे अलग इसलिए था क्योंकि उस पर सोने के सेब लगते थे। राजा का एक वफादार माली हर रोज उन सेबों को गिनता था और राजा को बताता था। लेकिन अचानक एक दिन एक सेब चोरी हो गया। माली से ये वार्ता सुनकर राजा क्रोधित हो गया। चोर को हम जरूर सजा देंगे। उस रात माली ने अपने बड़े बेटे को सेब की रखवाली करने के लिए रखा, लेकिन बीच रात में ही वो सो गया। दूसरे दिन सुबह फिर से एक सेब कम था। आज मैं अपने दूसरे बेटे को सुरक्षा के लिए रखूंगा। ठीक है। रात हो गई और माली का दूसरा लड़का भी सो गया। अगले दिन फिर से एक सेब कम था। अब माली के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने पहरेदारी की जिम्मेदारी ली। रात हो गई और माली का तीसरा बेटा अपने काम में लग गया। आओ सेब चोरो, अब आके दिखाओ। कुछ देर बाद जब रात थोड़ी गहरी हुई, अचानक कुछ पत्तों की आवाज आने लगी। छोटे बेटे ने देखा कि एक सोने का पंछी सेब तोड़ रहा है। उसने बिना वक्त गवाए तुरंत निशाना लगाया और तीर चलाया, लेकिन उससे पंछी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो पंछी उड़ गया और उसकी पूंछ से एक सोने का पर गिरा। सोने का पर सुबह राजा के सामने पेश किया गया और सभी मंत्रियों को राजदरबार में बुलाया गया। सभी मंत्री उस सुनहरे पर को देखकर चकित हो गए। इस एक पंख से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा पंछी चाहिए। मेरे दरबार में ऐसा बहादुर कौन है जो मेरे सामने पंछी को पेश करे? मालिक का बड़ा बेटा आगे आया और उसने इसकी जिम्मेदारी उठाई। शाबाश। मालिक का बड़ा बेटा जंगल की ओर उस सोने के पंछी की तलाश में चल पड़ा। वो जंगल के रास्ते गुजर ही रहा था कि तभी उसने बीच रास्ते में एक लोमड़ी को देखा। उसे देखकर लड़के ने अपने तीर से उस पर निशाना लगाया। कृपा करके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। तुम उस सोने के पंछी की तलाश में निकले हो ना? हाँ। माली का बेटा थोड़ी सोच में पड़ा। उसे लगा कि यह लोमड़ी की कोई चाल होगी, इसलिए उसने लोमड़ी पर तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया और लोमड़ी वहां से भाग गई। माली का बेटा अपने रास्ते चल पड़ा। आगे जाकर उसे एक महल और झोपड़ी दिखाई दी जो बिल्कुल उस लोमड़ी ने कही वैसी ही थी। उसने देखा कि महल की तरफ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे और बढ़िया खाना खा रहे थे। वही दूसरी तरफ गरीबी और उदासीनता नजर आ रही थी। ये देखकर उसने सोचा, अगर मैं इस झोपड़ी वाले घर की तरफ गया तो ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। इसलिए वो उस महल की तरफ गया जहां उसने खाया पिया और आराम किया। इस दरमियान वो उस सोने के पंछी और अपने राज्य के बारे में सब भूल गया था। इसी बीच बहुत समय बीत गया और बड़ा बेटा कभी वापस नहीं आया। इसलिए दूसरा बेटा कार्य के लिए चल पड़ा। उसका भी यही अंजाम हुआ। उसे लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी। लेकिन वो जब गांव पहुंचा तब उसे उसके भाई ने महल की तरफ बुलाया और वो भी अपने भाई की तरह पंछी और राज्य को भूल गया। समय बीतता गया। अब सबसे छोटा बेटा भी सोने के पंछी की तलाश में निकल पड़ा। मुझे जाने दो पिताजी। लेकिन माली अपने दो बेटों की तरह अब इस बेटे को भी नहीं खोना चाहता था। पिताजी, मैं वापस लौटूंगा, मेरा यकीन कीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माली का छोटा बेटा जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे वही लोमड़ी मिली जो उसके भाइयों को मिली थी। उस लोमड़ी ने उसे भी वही सलाह दी। अगर तुम अपने मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो झोपड़ी में जाओ। अपनी सलाह के लिए शुक्रिया दोस्त। मेरी पूंछ पर बैठो, तुम जल्दी पहुंच जाओगे। जल्द ही वो गांव पहुंचे। छोटे बेटे ने उस झोपड़ी में ही रात बिताई। जब सुबह हुई तो वो लोमड़ी वापस आई। अब उसने और एक सलाह दी। अब सीधे आगे बढ़ना, तुम्हें एक किला दिखाई देगा जहां बहुत सारे सैनिक गहरी नींद में सोए रहेंगे।
उनकी तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। किले के अंदर जाना, वहां तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा जहां सोने का पंछी एक लकड़ी के पिंजरे में बंद होगा। उसके ठीक सामने एक सोने का पिंजरा भी होगा, पर तुम उस पिंजरे को बदलने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। लोमड़ी ने फिर एक बार अपनी पूंछ फैलाई और नौजवान लड़का उस पर सवार हो गया। दोनों किले के पास पहुंच गए। लड़का किले के अंदर गया जहां उसे लोमड़ी ने कहा हुआ कमरा दिखाई दिया और वो सोने का पंछी भी। इस खूबसूरत पंछी को ऐसे लकड़ी के पिंजरे में रखना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही लड़के ने पिंजरे को बदलने के लिए दरवाजा खोला, पंछी चीखने लगा और उसकी आवाज से सैनिकों की नींद खुल गई। उस लड़के को कैदी बनाया गया। दूसरे दिन सुबह उसे दरबार में पेश किया गया। वहां उसे मौत की सजा सुनाई गई। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पे दया कीजिए। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। जाओ, मेरे लिए वो सोने का घोड़ा ले आओ जो तूफान जैसे तेज दौड़ता है। तभी मैं तुम्हारी सजा माफ करूंगा और वो सोने का पंछी भी दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। तब रास्ते में उसे अपनी दोस्त लोमड़ी मिली। तुमने देखा ना क्या हुआ मेरी सलाह ना मानने का नतीजा? तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए उस सोने के घोड़े को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सीधे जाना, फिर तुम्हें एक किला नजर आएगा जहां वो घोड़ा अपने टेंट में खड़ा होगा। उसकी देखरेख करने वाला गहरी नींद में सो रहा होगा। घोड़े को चुपचाप वहां से छुड़ा लेना, पर उस पर पुराने चमड़े का सैडल डालना मत भूलना, और उसके पास ही पड़ा सोने का सैडल बिल्कुल मत लेना। सब कुछ सही जा रहा था। घोड़े को देखकर लड़का बोला, मैं इसको सोने का सैडल दूंगा, इसका हक बनता है। जैसे ही लड़के ने सोने के सैडल को हाथ लगाया, उसकी देखरेख करने वाला जाग गया। रक्षक दौड़ के आए और उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन फिर उसे मौत की सजा सुनाई गई और उसने फिर दया की भीख मांगी। तुम खूबसूरत राजकुमारी को मेरे सामने ले आए तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, फिर तुम वो पंछी और घोड़ा अपने पास रख सकते हो। लड़का फिर अपनी राह चल पड़ा और उसे फिर लोमड़ी मिली। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारे पास पंछी के साथ साथ घोड़ा भी होता। मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगी। यहां से आगे जाकर तुम किले में पहुंच जाओगे, वहां तुम्हें राजकुमारी मिलेगी, उसके हाथ को थाम लेना। मध्यरात्रि को राजकुमारी नहाने जाती है, तब वो तुम्हें रास्ता बताएगी। पर ध्यान रहे, तुम उसे माँ बाप के पास विदाई देने मत जाने देना। लोमड़ी और लड़का किले के पास पहुंच गए। लोमड़ी ने जैसे कहा था, लड़के ने ठीक वैसे ही किया। मध्य रात्रि को वो राजकुमारी के साथ निकला, लेकिन निकलते निकलते राजकुमारी ने रोते हुए कहा कि उसे अपने पिताजी से मिलना है। आखिर लड़के ने उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही वो अपने पिताजी से मिलने आई, लड़के को फिर से कैदी बना लिया गया। तुम मेरी बेटी को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम सामने वाले पहाड़ को 8 दिन में तोड़कर नहीं हटा दे। वो पहाड़ इतना विशाल था कि लड़का अकेले वो काम नहीं कर सकता था। 7 दिन होने के बाद भी वो पहाड़ का कुछ ही हिस्सा तोड़ पाया। निराश होकर वो वहां पर बैठा ही था कि तभी अचानक उसकी दोस्त लोमड़ी वहां पर आ गई। तुम सो जाओ, मैं ये तुम्हारा काम कर देती हूँ। और सुबह होते ही पहाड़ गायब था। राजा ने खुशी खुशी उसे अपनी बेटी सौंप दी। नौजवान और राजकुमारी वहां से चल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात फिर से उसी लोमड़ी से हुई। अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? ध्यान से सुनो, तुम राजा के पास जाओ और उसे राजकुमारी दे दो, वो बहुत खुश होगा। फिर तुम घोड़े पर सवार होना और उनसे विदा लेना, राजकुमारी से आखिर में हाथ मिलाना, और तभी झट से उस घोड़े पर बैठना और जितना तेज हो सके वहां से निकलना। उसके बाद दूसरे किले में जाना जहां पंछी है। मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगी। तुम घोड़े को दयालु राजा को दिखाना, फिर वो पंछी को बाहर ले आएगा। उससे पंछी देखने के लिए मांगना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पंछी आएगा, तुम वहां से निकल जाना। जैसे लोमड़ी ने कहा, सब कुछ वैसे ही हुआ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी दोस्त,
तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात है तो मुझे खत्म कर दो। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी दोस्त हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। दो बातों को हमेशा याद रखना। वापस लौटते वक्त किसी की भी मदद मत करना और फिरौती मत देना। और याद रहे, नदी के किनारे बिल्कुल मत बैठना। वो राजकुमारी के साथ सवारी करते हुए उस गांव में पहुंचा जहां उसके दोनों भाई थे। वहां दो आदमियों को फांसी हो रही थी। उसने देखा कि वो दो आदमी उसके भाई थे जो अब चोर बन चुके थे। रुको, मेरे सारे पैसे ले लो, पर मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने भाइयों को छुड़ाने के बाद वो सभी जंगल से जा रहे थे। तभी दोनों भाइयों ने नदी के किनारे बैठकर कुछ खाने की सोची। इसी दौरान छोटा भाई लोमड़ी की सलाह भूल गया, और इससे पहले वो कुछ सोचता उसके दोनों भाइयों ने उसे नदी में ढकेल दिया। फिर राजकुमारी, घोड़ा और उस सोने के पंछी के साथ वो अपने राज्य के राजा के पास पहुंच गए। महाराज की जय हो। महाराज, हम सोने के पंछी को ले आए हैं। हमने हमारी मेहनत से उसे जीता है। फिर शाही जश्न की तैयारी की गई, लेकिन इस बार घोड़े ने कुछ नहीं खाया, पंछी ने गाना नहीं गाया, और राजकुमारी तो रोते ही जा रही थी। छोटा बेटा नदी में गिर गया था, लेकिन किस्मत से नदी सूखी थी। लेकिन नदी का किनारा इतना सीधा था कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तभी उसकी दोस्त लोमड़ी फिर से वहां पर आ गई। अगर तुमने मेरी बात याद रखी होती तो आज ये हालत नहीं होती। फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, इसलिए मेरी पूंछ जल्दी से कस के पकड़ो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए पहरेदार रखे हैं, वो तुम्हें देखते ही मार देंगे। फिर लड़के ने एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही घोड़े ने उसको देखा, उसने खाना शुरू किया, पंछी ने गाना शुरू किया, और राजकुमारी तो बहुत खुश हो गई। फिर वो राजा के पास गया और राजा को पूरी हकीकत बता दी। उसके दोनों भाइयों को सजा सुनाई गई। छोटे बेटे को राजकुमारी वापस मिल गई। जब राजा का देहांत हुआ, तब माली के छोटे बेटे को राज्य का राजा बनाया गया। कुछ दिन गुजरने के बाद वे दोनों फिर से जंगल की तरफ गए। वहां लड़के को उसकी पुरानी दोस्त लोमड़ी मिली। उसने फिर उसे गुजारिश की कि वो उसे खत्म कर दे। मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर कृपा करो और मुझे खत्म करो, मुझे मुक्ति दिला दो। छोटे बेटे ने दुखी मन से हाँ कर दी। जैसे ही लोमड़ी की मौत हुई, वो एक आदमी में बदल गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी का भाई था जो पिछले कई सालों से गुम था। निसर्ग की सुंदरता से भरे एक तालाब के किनारे एक मछुआरा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मछुआरा बड़ा मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मछुआरा रोज तालाब में जाकर मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितनी बदबू आती है यहाँ, कितना भी साफ करने के बावजूद ये बदबू जाती ही नहीं। एक दिन ऐसे ही मछली पकड़ने के लिए मछुआरा तालाब पर गया था। उस दिन मौसम बड़ा सुहाना था, लेकिन सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी में कुछ हलचल होने लगी। वो रस्सी को जोर से खींचने लगा। तभी उसे एक नन्ही सी खूबसूरत मछली उस कांटे में फंसी हुई नजर आई। मछुआरा हैरान हो जाता है। वो मछली काफी खूबसूरत और चमकीली होती है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत मछली है। क्या सोच रहे हो दोस्त, मैं इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना,
हाँ? ये क्या, तुमने भी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ, इस वजह से मैं इतनी भारी और चमकीली हूँ, और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मछुआरा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहा। मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझ में खाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। धन्यवाद, तुम कितने अच्छे हो। मछुआरा अपनी खाली टोकरी लेकर घर की ओर दौड़ने लगा। उसे इस अद्भुत मछली के बारे में अपनी पत्नी को बताने की बड़ी उत्सुकता थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज खाएंगे क्या? नहीं, मैंने आज एक बहुत ही अद्भुत मछली पकड़ी थी, बोलने वाली मछली, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। क्या, बोलने वाली मछली? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादुई राजकुमारी है। क्या, और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब? तुम्हें पता है ना, हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है, तुम उसकी जान के बदले जो चाहे मांग सकते थे, कम से कम तुम उससे एक बड़ा सा घर तो मांग लेते। प्रिय, हमें जो है उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मछुआरे को समुन्दर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो फिर उसी जगह पे आया, लेकिन अब उस जगह का माहौल थोड़ा बदल चुका था। पानी अब थोड़ा हरा हो चुका था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है, वो बंगले में रहना चाहती है, क्या तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा हैरान होकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी कुटिया अब एक शानदार बंगला बन चुकी थी। प्रिय, क्या अब तुम खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या, हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत गए, अब मछुआरे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगा। गुड मॉर्निंग पति महाशय, मैं अब जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहां की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या, अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो, तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही वापस आना। पति को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो फिर समंदर की ओर चल पड़ा। समंदर के किनारे अब हवाएं थोड़ी तेज चल रही थी और पानी का रंग भी लाल हो चुका था। मछुआरे को बड़ा अजीब सा लगने लगा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मछुआरा वहां से निकला और अपने घर आ पहुंचा। पहुंचते ही उसने देखा कि उस बंगले की जगह अब एक बड़ा महल बन चुका था। महल के दरवाजे काफी बड़े थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। उसने अंदर जाकर देखा कि एक बड़े से सिंहासन पे उसकी पत्नी बैठी हुई है। उसके सिर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है, मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या, मैं जानता नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है, वो मछली तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारी मछुआरे की अपनी पत्नी के सामने एक ना चली, वो फिर से समुंदर की ओर निकल पड़ा। समंदर का रंग अब भूरा हो चुका था। मछुआरा उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो?
मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वो अपने महल पहुंचा, उसने देखा कि महल के सभी दरवाजे अब काफी बड़े और सोने के हो चुके हैं। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा राजदंड था और उसके बाजू में दो दासियां उसकी सेवा में लगी हुई थी। प्रिये, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था, पर क्या आप तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मछुआरा मन ही मन डर रहा था कि उसकी पत्नी और किसी चीज की मांग ना करे, और उसकी पत्नी लगातार यही सोच रही थी कि किस चीज से उसे और खुशी मिलेगी। इसी दौरान कई दिन निकल गए, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती ही रहती। एक रात वो सोचते सोचते थक गई और उसे नींद आ गई। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? पत्नी ने गुस्से से मछुआरे को नींद से उठाया। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो, मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या, ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो, मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसे कुछ नहीं होगा, मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मछुआरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो उसे खुश देखना चाहता था, पर उसे पता था कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। मछुआरा आज फिर समंदर की ओर निकल पड़ा। समंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ, ये सब क्या है? जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। न जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो अपने महल के अंदर आया, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। पूरा महल खाली हो चुका था। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, कहाँ चली गई है? सब जगह ढूंढने के बाद वो फिर से भागकर समंदर की ओर गया। उसने देखा कि पानी अब शांत और पहले जैसे नीला हो चुका था। वो फिर एक बार जादुई मछली को आवाज लगाने लगा। जादू की मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बनाया है, अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसे मत करो, मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मेरे पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र, अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मछुआरा घर वापस आते ही हैरान हो गया। उसे वहां अपनी पहले वाली कुटिया ही नजर आई और दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हुए उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी और उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मेरी खुशी के लिए बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ, सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकते, खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर है।
मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद मछुआरे की पत्नी ने उससे किसी भी चीज की मांग नहीं की। मछुआरे को अब अपनी कुटिया में किसी भी बात की कमी नहीं थी। वे दोनों अपनी छोटी सी कुटिया में बड़े प्यार से रहने लगे।